नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड मीनिंग, इम्पॉर्टेंट हार्ड वर्ड फॉर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, अंग्रेजी जो है या इंग्लिश कहें, अगर आप अच्छे से समझेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो आपको हार्ड से हार्ड वर्ड मीनिंग के ऊपर अपना एक काम करना होगा। जी हाँ, हर एक सेक्शन, तो मान लीजिए कि अगर एक घर बना लिया जाए, ठीक है, ये घर बना लिया जाए और इसे मान लीजिए कि इंग्लिश का एक घर है, ठीक है, इस इंग्लिश का घर है जिसमें इसके चार हिस्से मैं कर देता हूँ। एक तरफ तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रीड करने का सीखना होगा। दूसरे तरफ दोस्तों राइटिंग के बारे में बात करना होगा, यानी डब्ल्यू से राइटिंग ले लेते हैं। फिर देखिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए समझने के लिए, यानी यू से अंडरस्टैंडिंग, और दोस्तों एस कर देते हैं, एस, जी हाँ, एस, एस का मतलब हो जाता है स्पीक। तो आर डब्ल्यू यू एस, ये चार प्रोसेस है, एक सर्कल है, ठीक है। इसको सर्कल में अगर हम सर्कल दे देते हैं, सर्कल का रूप दे देते हैं, तो आप समझिए कि यही प्रोसेस है आपको करना चाहिए। पढ़ना आना चाहिए पहले, फिर लिखने आना चाहिए, ठीक है, और बोलते भी हैं। देखिए, बोलने का अलग प्रोसेस है, तो आप जो है समझना, देखिए समझते हैं कब, जब कि बातें जो है आप बोल लेते हैं या पढ़ लेते हैं, तो जो कि एक दूसरे का जो है, आप कह सकते हैं कि भाई आप तिरछे देख सकते हैं कि एक तरफ जब बोल पढ़ते हैं, यानी इसका मतलब है कि आप बोलते हैं, ठीक है, लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप लिख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं। तो समझना, लिखना एक दूसरे के मतलब कह सकते हैं कि पर्यायवाची रूप में है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस बात को आपको समझिए कि कितना जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों वर्ड मीनिंग पे ही बात हो रही है, और वर्ड मीनिंग को आप हल्के में ना लें, जो भी हल्के में लेंगे वो कभी भी इंग्लिश अच्छी तरह सीख नहीं पाएंगे। अब जैसे देखिए, प्रेगनेंसी होता है, प्रेग्नेंट होते हैं महिलाएँ, गर्भवती होती हैं महिलाएँ, और जो है उसके बाद प्रसव होता है, बच्चे पैदा होते हैं, है ना, बर्थ होता है बच्चे का। वर्ड मीनिंग तो हम लोग कुछ कुछ जानते हैं, है ना जी, मैंने भी बोला, आप भी बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करना या प्रसव करना क्या वर्ड मीनिंग होगा, है, हम लोग कहते हैं लिवर पेन है या लिवर है, मतलब लिवर पेन है, इस तरह से बोलते हैं। और भी कुछ आप लोकल में बोल सकते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा, खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगा। प्रोक्रिएट, प्रोक्रिएट, याद रखिए, बच्चे पैदा करना, प्रसव करना, प्रोक्रिएट एक्शन वर्ड है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल बोलचाल की भाषा में करना है। और कोई भी हो, अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले तो इंग्लिश में आप जो है एक बहुत ही ज्ञानी बन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो ब्लेज, ब्लेज, उदासीन, अनुतेजित, उदासीन, अनुतेजित को ब्लेज कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है हैवोय, हैवोय का अर्थ है व्यापक विनाश, तबाही, बर्बादी, व्यापक विनाश, तबाही या बर्बादी को बोलते हैं हैवोय। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इक्विपोइज, इक्विपोइज यानी संतुलन, साम्यावस्था, प्रतिभार, संतुलन, साम्यावस्था, प्रतिभार को इक्विपोइज कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग देखिए, ये बहुत ही समझ के देखिए, एक बात मैं बताऊं कि 12 यहाँ पर आपको इस स्लाइड में सिर्फ 12 वर्ड मिलेंगे, ऐसे ऐसे आपको 5 स्लाइड मिलेंगे, और इन वर्ड्स को आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको बोलने में बहुत ही सहज, मतलब कि सहज हो जाएंगे, लिखने में सहज हो जाएंगे। सिर्फ ये मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ इंग्लिश वर्ड पे, पहले आपको हिंदी, जी हाँ, हिंदी के शब्दों पे आपको फोकस करना होगा। अब भाई व्यापक विनाश कौन बोलता है ना, नहीं बोलेगा व्यापक, कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन संतुलन, साम्यावस्था, प्रतिभार, बच्चे पैदा करने, सब आपको बोलने पड़ेंगे, मतलब सीखना होगा, ये सब शब्दों को अपने मिलाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों वर्ड मीनिंग जो है, अगला इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, और ये देख, रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का अर्थ क्या होगा, आपने देखा है सदाचार,
औचित्य, साधुता, साधुता, रेक्टिट्यूड। नेक्स्ट सेलेटरी, सेलेटरी है ना, सेलेटरी का अर्थ है हितकर, लाभप्रद, स्वास्थ्य वर्धक। मिस गिविंग, मिस गिविंग यानी गिविंग है मिस गिविंग, संदेह, आशंका, झिझक, डर। अब गिविंग और मिस गिविंग तो लोग समझ जाएंगे कि भाई दे रहे थे तो मिस कर गए, नहीं दे रहे तो वो, इस तरह से। ऐसा नहीं, वर्ड मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो ध्यान रखना है संदेह, आशंका, झिझक या डर, मिस गिविंग। नेक्स्ट है स्विंज, बड़े पैमाने पर या जोरदार को बोलते हैं स्विंज। नेक्स्ट है मोमेंटस, मोमेंटस का अर्थ है महत्वपूर्ण, महान या गंभीर को मोमेंटस कहते हैं। जबकि नेक्स्ट वर्ड है वैसे मोमेंट्री, मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब होता है कमजोर, असुरक्षित, आरक्षित को मोमेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी मीन्स क्षणिक, अस्थाई, थोड़ी देर के लिए को बोलते हैं ट्रांजिटरी। क्या बोलते हैं? क्षणिक, अस्थाई, थोड़ी देर के लिए बोलते हैं ट्रांजिटरी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेम्पोर, है ना, एक्सटेम्पोर को कहते हैं तात्कालिक, तत्काल, अचिंतित। तात्कालिक, तत्काल या अचिंतित को बोलते हैं एक्सटेम्पोर, क्या कहते हैं एक्सटेम्पोर। तो दोस्तों वर्ड मीनिंग जो है बहुत ही सहजता देता है जब आप इन शब्दों को, इन जो ये शब्द हैं हमारे हिंदी के शब्द जो है ना, और इसका जो ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी वर्ड मीनिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस तरह के वर्ड मीनिंग को सिर्फ अपने बोल चाल की भाषा में ही शामिल करके अब जब याद करेंगे ना तो बहुत कुछ होगा। तो देखिए याद करना ही होगा, और याद कैसे होगा इस बात को भी समझिए। तो आप इसका इस्तेमाल, यूज़ कीजिए, उपयोग करिए बोलने में, लिखने में, है ना, किसी को बताइए इस तरह से कि भाई ये नहीं, ये होता है, आपने याद किया, बोला, इससे क्या होगा कि आपको याद, मतलब आपको भी याद हो जाएगा। तो इसको दूसरों को बताइए, बहुत जरूरी है। अब देखिए ये नेक्स्ट वर्ड बनेंगे दोस्तों, अगला जो है नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक यानी घर लौटने को अधीर, यानी घर लौटने को कुछ लोग बेचैन रहते हैं, चल घर, चल घर, चलो ना घर, चलो ना, बार बार घर चलो, जैसे बच्चे कहते हैं घर चलो, घर चलो, घर चलो, नॉस्टैल्जिक है ना, नॉस्टैल्जिक वर्ड क्या देंगे, नॉस्टैल्जिक। देखिए नॉस्टैल्जिया वर्ड ऐसे याद, यानी घर की याद, अतीत की झललक को बोलते हैं ना नॉस्टैल्जिया, जो विदेश में रहते हैं उनको घर की याद आता है, अतीत का ललक झलक, मतलब अतीत की ललक होता है कि भाई क्या जमाना था उस समय, इस तरह से लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ यूटोपियन यानी काल्पनिक आदर्श को बोलते हैं, काल्पनिक या आदर्श को बोलते हैं यूटोपियन। नेक्स्ट है यूटोपिया, यूटोपिया का अर्थ है राम राज्य, आदर्श, आदर्श सामाजिक राजनीतिक स्थिति, आदर्श सामाजिक राजनीतिक स्थिति को ही राम राज्य कहा जाता है, ठीक है, आदर्श सामाजिक राजनीतिक स्थिति को राम राज्य कहा जाता है, जिसे यानी कि यूटोपिया कहा जाता है, राम जी का राज्य को यूटोपिया कह सकते हैं, यूटोपिया। नेक्स्ट है ओवरसी, ओवरसी का मतलब है निरीक्षण करना, सर्वेक्षण करना, निरीक्षण करना, सर्वेक्षण करना, ओवरसी। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव, डिसीव धोखा देना, ठगना, बहकाना, डिसीव। अगला वर्ड मीनिंग है कंपंक्शन, कंपंक्शन पश्चाताप, पछतावा, खेद, चिंता, कंपंक्शन। नेक्स्ट है प्रोहेसी, प्रोफेसी, प्रोफेसी, प्रोफेसी भविष्यवाणी, भविष्य कथन, जैसे हम लोग फॉरकास्ट बोलते हैं मौसम से रिलेटेड, तो प्रोफेसी, प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी या भविष्य कथन को प्रोफेसी कहते हैं। ऐसे ऐसे शब्द, कि ये सारे शब्द जो है आपको कोई बताने वाला नहीं है, आप सबको यहीं मिलेगा। सडन, सडन मीन्स होता है गीला, तर बतर या चिपचिपा। खोजते रहेगा इन शब्दों को आप, यहाँ ये शब्द जो है इन शब्दों पर ध्यान दीजिए और याद करिए। जी हाँ, तो याद करके अपना बहुत ही कल्याण कर सकते हैं,
और ना सिर्फ सामान्य व्यवहारिक जीवन है, बल्कि आप अगर कंपटीटिव या अपने करियर को भी ऊंचा स्थान देना चाहते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए टाई रेनी निरंकुश शक्ति प्रयोग या अत्याचार को बोलते हैं टाई रेनी। नेक्स्ट है सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, धार्मिक, गहन या गंभीर को बोलते हैं सैक्रेड। नेक्स्ट वर्ड है इमीसरी। इमीसरी मीन्स भेदिया, गुप्तचर को बोलते हैं इमीसरी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्पेट। नदी की बाढ़ बौछार को स्पेट बोलते हैं, स्पेट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कोरोनल। कोरोनल यानी हार, छोटा मुकुट या वलय को बोलते हैं कोरोनल। नेक्स्ट है एंटरपोज। एंटरपोज मीन्स है दखल देना, है दखल देना, बाधा डालना, बीच में डालना। दखल देना, बाधा डालना, बीच में डालना, एक दखल देना, दूसरा बाधा डालना और बीच में डालना, एंटरपोज। नेक्स्ट है एस्केप। एस्केप मीन्स होता है बच जाना, भाग जाना, खिसक जाना, भूल जाना। स्केप, स्केप ना पर्यायवाची शब्द था एक दूसरे के। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल पर्याप्त, महत्वपूर्ण, मजबूत, धनी को सब्सटेंशियल कहते हैं। अब देखिए एनोमेलस। एनोमेलस मीन्स होता है अनियमित, असंगत, नियम विरुद्ध। अनियमित, अनियमित, असंगत, नियम विरुद्ध को बोलते हैं एनोमेलस। अनवैरी, अनवैरी मीन्स होता है असावधान, बेखबर या आकस्मिक को बोलते हैं अनवैरी। नेक्स्ट है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, चीखना, स्क्रीमिंग, चीख रहा है ना बोलते हैं। अनरूली, अनरूली मीन्स बेलगाम, बेल है ना, बेलगाम, उदंड, उच्छृंखल, बेलगाम, उदंड या उच्छृंखल को बोलते हैं अनरूली। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है क्या दोस्तों, पढ़ के देखिए एक बार। वल्नरेबल, वल्नरेबल कमजोर, असुरक्षित, रक्षित को वल्नरेबल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्ड मीनिंग को आपको अच्छे से समझ लेना है, इसका इस्तेमाल करना है बोलते लिखते समय, बहुत जरूरी है, तभी आप इंग्लिश में अच्छे अच्छे आप देखिए छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना सीखिए, इसमें से छोटे छोटे सेंटेंस को एक एक लाइन वाला सेंटेंस को बला बला कर जो है बोलिए, मतलब बनाना ही होगा। एनिग्मा, एनिग्मा मीन्स पहेली, जैसे प्रोवर्ब बोलते हैं पहेली, भ्रमकारी व्यक्ति को भी एनिग्मा बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फिल्थी। फिल्थी मीन्स होता है गंदा, मैला, अश्लील या भ्रष्ट को फिल्थी कहते हैं, फिल्थी। ठीक है फिल्थी। देखिए जो अगला वर्ड है वो है तो इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब परिवर्तनकारी, नव निर्माण करता। इनोवेटिव परिवर्तनकारी, नव निर्माण करता। नमरस है न्यूमरस, ठीक है न्यूमरस। अगिनत, बेशुमार या संख को न्यूमरस कहते हैं। नेक्स्ट है तो एग्लोमेरेटियन यानी संग्रह, ढेर, पुंज, पुंजन या संकुल। संग्रह, ढेर, पुंजन या संकुल को एग्लोमेरेटियन कहते हैं, एग्लोमेरेटियन। नेक्स्ट है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस मीन्स होता है भूल जाने वाला, भुलक्कड़ को बोलते हैं ओब्लिवियस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डिस्प्ले। डिस्प्ले मीन्स होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, प्रदर्शित करना, दिखाना को डिस्प्ले कहेंगे। जबकि अगला वर्ड मीनिंग जो है दोस्तों ये देखिए इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स अति आवश्यक, अति आवश्यक, आदेशात्मक, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है राउकस। राउकस का मतलब है कर्कश, भट है ना, फटी हुई आवाज़, फटी लिखना है फ, फटी हुई आवाज़ में बोलते हैं तो राउकस करते हैं, राउकस। नेक्स्ट है असैसिन। असैसिन ये वर्ड बोलना भी बहुत लोग पसंद करते हैं, असैसिन, असैसिनेशन, असैसिन, हत्यारा
असैसिनेशन मतलब कि छुप कर किया गया हत्या, खूनी बधिक या छलघाती को असैसिन कहेंगे, असैसिन असैसिन। नेक्स्ट है इग्नाइट, इग्नाइट आग लगना या आग लगाना, दो वर्ड मीनिंग हो गया, इग्नाइट मीन्स भड़काना भी, इग्नाइट भड़कना, भड़कना इग्नाइट। नेक्स्ट है बम्पकिन, बम्पकिन का मतलब होता है गवार भोंदू मस्खरा, गवार भोंदू मस्खरा को बम्पकिन कहते हैं, जबकि बम्पसियस, बम्पसियस अहंकारी डींग हाँकने वाला, अहंकारी या डींग हाँकने वाला को बम्पसियस कहते हैं। डिलीशियस मीन्स होता है सुस्वादु अति स्वादिष्ट या मीठा को, मीठा को डिलीशियस कहते हैं, डिलीशियस। दोस्तों है ना बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, जो कि अगर इसके आप स्क्रीनशॉट को भी आप फिर से वीडियो को आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी हाँ स्क्रीनशॉट रख कर आप इसे याद करते रहिए, बहुत ज़रूरी है, या उसका कॉपी पे लिख सकते हैं। एक और स्लाइड देखते हैं, रफियन, रफियन गुंडा लफंगा हत्यारा डाकू, हम लोग गुंडा को हुडलुम भी कहते हैं लेकिन रफियन भी कहेंगे, रफियन याद रखिए, गुंडा, गुंडा को रफियन कहेंगे, रफियन। किसी को बोल दीजिए और उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई आपने क्या कहा दिया, रफियन इज अ रफियन है ना, लफंगा है, गुंडा है, डाकू हत्यारा, जिस सेंस में बोलना चाहते हैं उस सेंस में रफियन वर्ड लगा सकते हैं। सल्वेज, सल्वेज का अर्थ है नुकसान से बचाना, आग नुकसान से बचाना या आग से बचाना, दो वर्ड मीनिंग है इसका, सेल्वेज मीन्स नुकसान है, देखिए नुकसान से बचाना या आग से बचाना, सेल्वेज। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रैम्पेज, हिंसात्मक बर्ताव या क्रोधोन्माद, क्रोधोन है ना, क्रोधोन्माद को बोलते हैं रैम्पेज, रैम्पेज। नेक्स्ट है स्लॉथ, स्लॉथ का मतलब है आलस सुस्ती, सुस्ती या ढिलाई को बोलते हैं, ढिलाई को बोलते हैं स्लॉथ। अनरेबल, अनरेबल मीन्स होता है अलग करना बुनाई उधेड़ना, अलग करना बुनाई उधेड़ना को अलग है ना, अनरेबल। नेक्स्ट है इनकम्वेनियंट, जैसे इनकम्वेनियंट, इनकम्वेनियंट कष्टप्रद अनुपयुक्त या प्रभावी को बोलते हैं इनकम्वेनियंट। नेक्स्ट है इनकिंडल, इनकिंडल मीन्स होता है प्रज्वलित करना उत्तेजित करना, इनकिंडल, इनकिंडल। नेक्स्ट है इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट अभियोग लगाना दोष लगाना को इनक्रिमिनेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेरिसेबल, पेरिसेबल मीन्स होता है नष्ट होने वाला, नश्वर या छनी को पेरिसेबल कहते हैं, पेरिसेबल। नेक्स्ट है इम्वेजल, इम्वेजल मीन्स होता है गबन करना दुरुपयोग करना या चुराना, गबन करना दुरुपयोग करना या चुराना को इम्वेजल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूरियस, फ्यूरियस अतिक्रुद्ध भीषण प्रचंड को बोलते हैं, अतिक्रुद्ध भीषण या प्रचंड को बोलते हैं फ्यूरियस, फ्यूरियस। नेक्स्ट है टेम्पोरल, टेम्पोरल को बोलते हैं सांसारिक, सांसारिक लौकिक या अस्थाई को, सांसारिक लौकिक या अस्थाई को बोलते हैं टेम्पोरल। तो दोस्तों आप सभी से यह मेरे तरफ से बहुत ही यानी हमारे तरफ से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि इन सभी वर्ड मीनिंग को आप याद कर लें, आपने देखा 5-6 स्लाइड तो इसको याद करके आप इसका इस्तेमाल कर लें तो जीवन जो है आपका सुधर जाएगा, बदल जाएगा, लोग आपसे प्रभावित हमेशा होंगे। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में ही तक, सबसे ज़रूरी है कि नीचे एक लाइक बटन है जो है ना, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो कहिए, लेकिन लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।